गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर दैट इज़ द 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, इस असी मतलब कि एनिमल्स की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की मतलब कि गल करांगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साढ़े को आ जाता इस सैल आएगा. हाँ जी बेटा, सैल की होएगा? वेट, सेल इट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक ही होएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होंगी. अ सेल इज़ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब की हुंदा वा, जो सेल होएगा, सेल दे विच मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होएगा तो उसके आले दुआले की होएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होएगी. मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिहड़ी हैगी आ, उह सैल नूं वाइडली इन शेप एंड साइज मतलब कि वेरी हुंदा रहिंदा, जिस करके. नैक्सट वन इज़ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सैल इज़ जनरली विद अ सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस एंड अ वरायटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक लिविंग ऑर्गेनेनिज. हाँ जी बच्चे, उस दे विच की हुंदा, सेंटर दे विच असीं कहिंदे आ साइटोप्लाज्म होएगा. साइटोप्लाज्म दे विच की हुंदा वा, न्यूक्लियस प्रेजेंट हुंदा वा. साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लियस दोनों नूं की बोलिया जांदा, इकट्ठिआं नूं प्रोटोप्लाज्म दा नाम दित्ता जांदा. एंड जी असी देखिए तो मतलब कि न्यूक्लियस मतलब कि स्फेरिकल इन नेचर हुंदा वा, और प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा बोल देंगे ने साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस. तो दैन साइटोप्लाज्म दे विच जिहड़ा हैगा वा, वेरियस ऑर्गेनेनिज प्रेजेंट होणगियां, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स एटसेट्रा. हाँ जी, ऑन द अदर हैंड असी की बोलते हैं, जिहड़े मतलब कि साढ़े कोले एनिमल्स ने वो यूनीसैलुलर हो सकते हैं. यूनीसैलुलर लाइक अमीबा, मतलब जिहड़ी सारी बॉडी फंक्शंस ने वो एक सैल वाला बॉडी का ऑर्गेनिजम सिर्फ एक सैल के राही ही कंप्लीट करेगा. नैक्सट वन साढ़े कोले की आ जाता बेटा, टिशू आ जाता. टिशू की होंगे ने, ग्रुप ऑफ सैल्स होंगे ने, जिन्हों की होंगी स्ट्रक्चर फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजन विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन अलोंग विद देयर इंटरसेलुलर मटीरियल इज कॉल्ड द सिंपल टिश्यूज. मीनस असी कहने जिहड़े सैल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उन्हां दी स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक ओरिजन एंड फंक्शन की होंगे ने, सिमिलर होंगे ने, उन्हां टिशूज नूं असी मतलब कि बोलिया जाता सिंपल टिशू किया जाता. मतलब उन्हां दे विच सैल इदां दे प्रेजेंट होंगे ने जिन्हां दी स्ट्रक्चर सिमिलर होंगी आ, एम्ब्रियोनिक ओरिजन एंड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. हाँ जी बच्चे, वह की होंगे ने, सिंपल टिशूज होंगे ने. ऑन द अनदर हैंड कंपाउंड टिशूज की होंगे ने, जदों ग्रुप ऑफ सैल जिहड़े हैगे ने पर मतलब कि डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर होणगे, उन्हां दा फंक्शन की होएगा, डिफरेंट होएगा बट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन. क्लीयर? दैन फंक्शन की करते हैं, मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं. जदों इकट्ठे कदों होंगे ने, जदों उन्होंने कोई खास फंक्शन करना हो, उस टिशूज़ में की बोलिया जाता, कंपाउंड टिशूज़ का नाम दिता जाता वा. हाँ जी राजी, नैक्सट वन इज़ द साढ़े को आ जाता वा, ब्रांच मतलब कि हिस्टोलॉजी की होंगी है. हिस्टोलॉजी की है, दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिशू इज़ कॉल्ड द हिस्टोलॉजी. हाँ जी बच्चे, मतलब कि की है, स्टडी ऑफ टिशूज़ नूं की बोलिया जाता, हिस्टोलॉजी किया जाता. मतलब कि असी डेफिनेशन किवें लिखांगे, दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिशूज. दैन साढ़े को टाइप्स आ जांदियां ने, किस दियां टाइप्स देखते हैं असी वन बाय वन. तो साढ़े को है, सब तो पहला की है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. लोकेशन देखते हुए, स्ट्रक्चर देखते हुए, तो फंक्शन देखते हुए टिशूज दियाँ चार टाइप्स होंगे ने. पहली है एपिथीलियल टिशू, दैन साढ़े को होंगे मस्कूलर टिशू, दैन थर्ड कोनैक्टिव एंड फोर्थ वन इज़ द नर्वस टिशू. हम फस्ट साढ़े को आ जाता वा, एपिथीलियल टिशू आ. एपिथीलियल टिशू की होएगा, प्रोटैक्टिव इन नेचर होएगा. मस्कूलर की गल करिए, कॉन्ट्रैक्टाइल टिशूज हो, मूवमेंट के लोकोमोशन हेल्प करते हैं. जोड़े कोनैक्टिव टिशूज ने, सपोर्टिंग इन नेचर होंगे ने, मतलब बाइंडिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी. बहुत सारिया जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स ने उन्हां नूं की करदे ने, बाइंड कर देने का काम करते हैं. दैन नर्वस टिशूज की गल करिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, मतलब नर्व इंपल्स दे विच कंडक्शन दे विच हेल्प करते हैं. सो ऑल दीज टिशूज ओरिजिनेट फ्रॉम वन और मोर टाइप ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोला.
तो असं की कहे जे कि सारे टिशू जे ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द वन और मोर टाइप ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर ऑफ गैस्ट्रोला, जो गैस्ट्रोला के प्राइमरी लेयर्स प्रेजेंट होंगे ने, मतलब गैस्ट्रोला की हों वा जाइगोड तो बनने तो बाद एम्ब्रियो तक के विचाले वाला जोड़ा, मतलब कि असी कहने एक स्टेज होंगी उसमें गैस्ट्रोला बोलिया जाता वा, उत्थे की होंगे ने जर्म लेयर्स होंगे ने जिस तो एम्ब्रियो ने डिवेलप होना रचे उन्होंने ही जोड़ा है उन्होंने प्राइमरी जर्म लेयर्स तो ही जोड़े टिशूज़ ने ओरिजिनेट हुए होंगे ने। सो फस्ट ऑफ ऑल साढ़े को एपीथीलियल टिशू आ जाता। एपीथीलियल टिशूज़ की होंगे ने, फस्ट ऑफ ऑल जनरल पोजिशन की गल करिए, आउटर सर्फस जोड़ा हैगा वा ऑल ऑरगन ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो लाइनस ऑफ कैविटीज ऑफ ऑल होलो ऑरगनस ऑफ द बॉडी, मतलब चाहे तो असं कही पूरी बॉडी की जी आउटर लेयर है सैल्स की, जी कहने मतलब कि कोई वो ऑरगनस पे ने उन्हों की जी लेयर है आउटर लेयर है उस किस टाइप ऑफ टिशूज़ की बनी है, एपीथीलियल टिशूज़ की बनी है। हाँ जी राजे, बहुत सारिया जो ग्लैंड ने वह भी की होंगे ने एपीथीलियल इन ओरिजन होने। नैक्सट साढ़े को आता जनरल फंक्शंस ऑफ एपीथीलियल टिशूज़। एपीथीलियल टिशूज़ की कवर करते हैं एंड प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग टिशूज़ फ्रॉम मकैनिकल इंजरीज, एंट्री ऑफ जर्म्स फ्रॉम द यूजफुल डेरिवेटिव्स लाइक नेल्स, स्केल्स, फीलर्स, क्लॉज, हेयर्स, हूप्स एंड हॉर्न्स एंड आलसो सक्रीशन फ्रॉम द एपीथीलियल ग्लैंड्स। हाँ जी बच्चे, असं देखते हैं साढ़े को जोड़े है ये मकैनिकल इंजरी तो की करते हैं सपोर्ट करते हैं बॉडी को, दैन इन बहुत सारिया सक्रीशनस ने जिड़िया, मतलब कि एपीथीलियल ग्लैंड जगह ने सक्रीट कर दें ने फॉर वेरियस परपजस के लिए, बहुत सारे कैमिकल जोड़े सक्रीट किए जाते हैं, जिमें असी कह दें एंट्री ऑफ जर्म्स नू रोकती है, जिमें साड़ी स्किन होंगी है बेटा, मतलब कि वो अपने बॉडी के पिछों किसी भी जर्म्स नू ज़्यादा एंटर नहीं कर देगी। दैन बहुत सारे जोड़े डेरीवेटिवस ने लाइक साडे नेल्स हो गए, स्केल्स मच्छियों के उपर, जे मतलब कि असी कहने रेंगण के चलन वाले स्नेक्स ने उन्होंने उपर स्केल्स प्रेजेंट होंगे ने, पंछियों के उपर फीदर्स, क्लॉज मीनस नौंदरा, हेयर हो गए, हूफ खुर किया जाता वा पशुओं के जो खुर होंगे ने, एंड हॉर्नस की होंगे ने जो सिंग प्रेजेंट होंगे ने, ठीक है, लाइक जिमें बफेलोज के सिंग होंगे ने, जां सी डियर्स के जेडे मतलब कि सिंग देखते हैं उन्होंने हॉर्नस किया जाता वा, ये सारे ही कि बने होंगे ने एपीथीलियल टिशूज के बने हो सकते हैं। हाँ जी राजे, नैक्सट असी टाइप्स करा एपीथीलियल टिशू की। एपीथीलियल टिशू की टाइप के देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एपीथीलिया डिवाइडेड इंटू टू मेन ग्रुप्स, पहला है कवरिंग एपीथीलियम, तो सैकंड साढ़े को आ जाता वा ग्लैंडुलर एपीथीलियम आ जाता। हाँ जी, जिहड़ा कवरिंग एपीथीलियल है, कवरिंग एपीथीलियल दे विच की होएगा, दीज एपीथीलियल टिशूज आइदर कवर द एक्सटर्नल सर्फसिस और लाइन द कैविटी ऑफ इंटरनल ऑरगनस ऑफ द बॉडी। हाँ जी, की करेगा जिहड़े ए वाले कवरिंग एपीथीलियम होएगी, यह मतलब कि वह वाले टिशूज होणगे जो एक्सटर्नल सर्फस नूं कवर करनगे, जां मतलब कि बॉडी ऑरगनस की जिहड़ी बाहर मतलब बाहरली कवरिंग होएगी वह किस तो बनी होएगी, एपीथीलियल टिशूज तो बनी होएगी। नैक्सट वन इज़ द साढ़े को डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, जिहड़े एपीथीलियल टिशूज ने वो दो तरह के होंगे ने, सिंपल एंड कंपाउंड। हाँ जी राजे, सिंपल नू यूनी अनसैचुरेटेड मसल्स भी क्या सॉरी एपीथीलियल टिशू बोलिया जाता, तो यूनी लैमीनर एपीथीलियम भी बोलिया जाता वा। तो सिंपल की गल करा, अगर ओनली वन लेयर प्रेजेंट होएगी, ओनली वन थिक लेयर प्रेजेंट होएगी, तो असं उसमें की कहेंगे एक की है सिंपल एपीथीलियल टिशू है। दैन कंपाउंड की गल करिए, कंपाउंड की होएगा मतलब कि मैनी जां मल्टी लैमिनर एपीथीलिया कहा जाता, इस नंबर ऑफ ता कि मतलब कि लेयर्स होनगियां, तो ही रचे असी इस मैनी लेयर थिक जिहड़ा एपीथीलियल टिशू बोल दें। हाँ जी रचे, नैक्सट साढ़े को टाइप्स आ जाए ने सिंपल एपीथीलिया दियाँ। सो रजे, मतलब कि बहुत सारे जोड़े है मतलब कि होंगे ने, दीज कवर्स द एरियाज विद लैस वीयर एंड टीयर, फॉर एग्जाम्पल सैक्रेटरी एंड अबजॉर्बटिव सर्फसिस के उपर एंड लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स के उपर की होंगे ने सिंपल टिशूज प्रेजेंट होंगे ने। सो असी देखा कि असी फस्ट टाइप जी है मतलब कि टिशूज की करा, साढ़े को है स्क्यूमोस एपीथीलियम आ जाती है। स्क्यूमोस एपीथीलियम के देख सकते हो डायग्राम के, इस तरीके पॉलीगोनल सैल्स होंगे ने,
तो इन्हों मतलब कि फ्लैट स्ट्रक्चर होंगी आ ठीक है तो डिस्कोइड शेप होंगे। सो तुसी मतलब कि स्ट्रक्चर दे विच की देख सकते हो थिन फ्लैट एंड डिस्कोइड एंड पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होएगी। इस तरीके नाल जापणगे सानू मतलब कि जिवें टाइल्स फिट हुई होंदियां फ्लोर दियां ठीक है बच्चे। इस करके इन्हों नाम दिता जाता पैवमेंट एपीथिलियम का नाम दिता जाता वा। न्यूक्लियस की होएगा ट्रांसवर्स एंड ओवल प्रेजेंट इन द मिडल थिकर पार्ट ऑफ द सैल मतलब कि सेंटर दे विच प्रेजेंट होएगा जो कि थिक पार्ट होएगा सैल का। सो स्टूडेंट्स अगर असी वर्टिकल सैक्शन दे विच देखिए तो जिहड़े एस्क्योमोस टिशू एपीथीलियल टिशूज ने मतलब कि नीचे बेसमेंट मैमब्रेन होएगी उस तो अबव जिहड़े हैगे ने एक लेयर प्रेजेंट होएगी जो कि मतलब कि असी जिसनों एस्क्योमोस एपीथीलियल टिशू का नाम दिंदे आ। नैक्सट वन इज़ द इसकी पोजिशन एंड फंक्शन की गल करिए साढ़े को हैगा इट इज़ फाउंड इन द एल्वलाई ऑफ लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसिज एंड वाउमेन कैप्सूल ऑफ द नैफ्रॉन फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ जी बच्चे साढ़े लंग्स के एल्वलाइज होंगे ने उत्थे प्रेजेंट होंगे ने दैन वाउमेन कैप्सूल साड़ी किडनी के प्रेजेंट होंगे ने जो कि मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। नैक्सट साढ़े को आ जाते क्यूबॉइडल एपीथीलियम आ जाती है। हाँ जी राजी पहली तो स्ट्रक्चर की गल करिए क्यूबॉइडल तो सानू पता लगता कि जेडे मतलब कि फॉर्मड ऑफ पॉलीगोनल एंड क्यूबॉइडल सैल्स होंगे मतलब इन्हों की शेप जी होएगी पॉलीगोनल तो क्यूबॉइडल होएगी। न्यूक्लीअस मतलब कि सेंट्रिक होएगा मतलब सेंटर दे विच प्रेजेंट होएगा। तो जिहड़े तुसी इस नीचे डायग्राम देख सकते हो साढ़े कोले क्यूबॉइडल एपीथीलियम की डायग्राम बनी हुई है। इस तरीके ना नीचे बेसमेंट मैमब्रेन होएगी उस दे उपर क्यूबॉइडल शेप जिहड़े होणगे मतलब कि सैल प्रेजेंट होणगे ते सेंटर दे विच की प्रेजेंट होएगा न्यूक्लियस प्रेजेंट। नैक्सट वन इज़ द टाइप्स ऑफ क्यूबॉइडल एपीथीलियल टिशूज। हाँ जी बेटा साढ़े को चार तरह दिन टाइप्स हैं। पहले आएंगे सिलेटेड क्यूबॉइडल एपीथीलियम। सिलेटेड क्यूबॉइडल एपीथीलियम किड़ा होएगा अगर हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट होंगे ऑन द सर्फस ऑफ द क्यूबॉइडल सैल्स उसमें अं की बोलते हैं सिलेटेड एपीथीलियम टिशूज बोले हैं। दैन पिगमेंटड क्यूबॉइडल अगर वो सम मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होएगा मतलब ग्रैनुल्स प्रेजेंट होंगे उन्होंने तो की होएगा पिगमेंटड क्यूबॉइडल एपीथीलियम होएगा। दैन जर्मीनल एपीथीलियम जिहड़ा हैगा वा वो कि उहदे विच सैल्स आर जर्मीनल इन नेचर होणगे तां राजे असीं इसनूं जर्मीनल एपीथीलियम बोलांगे। दैन ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपीथीलियम कोई किहड़ा होएगा फ्री सरफस ऑफ सैल्स विद माइक्रोविलाई टू इनक्रीज सरफस एरिया। हाँ जी राजे सां मतलब कि माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होणगियां जिन्हों असीं ब्रश बॉर्डर बोल दिंदे आ। सो इस तरीके नाल जिहड़ा हैगा वा चार तरह के की होंदे ने क्यूबॉइडल होंदे ने। जे असीं देखिया जाइए इन्हां दे फंक्शन जिहड़े हैगे ने पोजिशन की गल करिए जिहड़ा सिलेटेड क्यूबॉइडल सैल्स ने वो सानू मतलब कि नैफ्रॉन दे विच मिलदे ने ते दैन एंड ब्रोंकियोल्स दे विच जो लंग्स दे विच प्रेजेंट हुंदियां ने। दैन पिगमेंटड जिहड़े हैगे ने सानू रेटिना ऑफ आई दे विच मिलदे ने। दैन जर्मीनल एपीथीलियम सानू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड टेस्टिस दे विच मिलदे ने आउट आलसो लाइनस ऑफ ओवरी दे विच भी प्रेजेंट हुंदे ने। दैन ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपीथीलियम सानू नैफ्रॉन दे विच जिहड़ा साडा प्रोक्सीमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है उत्थे प्रेजेंट होणगे फॉर री अब्जॉर्प्शन दे लई। हाँ जी राजे इन्हां दे फंक्शंस ने तुसीं वन बाय वन यह मतलब कि इस तों याद कर लेना। दैन असीं देखांगे कि साढ़े कोले की है कॉलमनर एपीथीलियम आ जाती है। कॉलमनर एपीथीलियम जिहड़ी हैगी आ सो स्टूडेंट्स इन्हां दी स्ट्रक्चर जिहड़ी हुंदी आ जिहड़े सैल्स हुंदे ने टॉल हुंदे ने पिलर लाइक सैल्स हुंदे ने एंड साइड बाय साइड मतलब कि लगे होंगे ने। अगर असी सरफस व्यू तो देखिए तो वह पॉलीगोनल इन स्ट्रक्चर होंगे। न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडनल ओवल एंड जनरली लाइज टूवर्ड्स अ बेस होएगा। हाँ जी बच्चे असी डायग्राम दे विच देख सकते हैं। सो ध्यान दो दैट इज़ द वी एस सैक्शन ऑफ द कॉलमनर एपीथीलियम। इस तरीके कॉलमनर शेप जिहड़े सैल्स प्रेजेंट होंगे तो सेंटर दे मतलब कि जिहड़ा न्यूक्लीअस होएगा वह थोड़ा जिहा बेसल एरिए वल होएगा। सो स्टूडेंट्स अगे असी मतलब कि जिहड़ा इहदा मतलब कि मेनली प्रेजेंट इन सक्रीटरी एंड अब्जॉर्प्टिव टिशूज सो आर मेन फॉर सक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन मतलब सक्रीशन ते अब्जॉर्प्शन वाले एरियाज जिहड़े हैगे ने उत्थे मेनली प्रेजेंट हुंदे ने। सो फर्दर इहदियां थ्री टाइप्स ने थ्री टाइप्स किहड़ियां हो सकदियां ने लाइक
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਲੀਏਟਡ ਕੋਲਮਨਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਫੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਫਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸੀਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰੱਸ਼ ਬੋਰਡਰ, ਬ੍ਰੱਸ਼ ਬੋਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਬਲਾਈਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੋ ਸਟੈਟੀਫਾਈਡ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਡੋ ਸਟੇਟਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੀ, ਬਟ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਡੋ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੀਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਪਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।